आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों, जो है आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आई हूँ वो है अलमंडा का टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से जो है एक अपने जो है एक वीडियो मैंने डाला था गुड़हल का, जो है कैसे जो है बहुत सारे अच्छे फ्लावर प्राप्त करें और हेल्दी प्लांट एक गुड़हल का तैयार करें। दोस्तों, आज मैं उसका रिजल्ट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों देखिए, कितना बंचेस में जो है हमारे जो है इस हाइब्रिड गुड़हल में इसमें पाँच पाँच छः छः कलियाँ आई हुई हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्लांट कितना हेल्दी हो गया है। आपको मालूम है कि ये मेरा नया जो है इस बार रिपोर्टिंग किया हुआ गुड़हल, देखिए ये वाइट लाइट बेबी पिंक कलर का गुड़हल कितनी इसकी साइज़ बड़ी आई है। और दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी मेरे प्लांट देखिए कितने हेल्दी हो गए हैं। इस समय देखिए बड्स कितनी ज़्यादा बनी हुई हैं, सारे प्लांट्स में मेरे बड्स बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं और प्लांट ओवरऑल मेरा बहुत ही हेल्दी है। रिजल्ट मेरा बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी वो है अलमंडा का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अलमंडा का प्लांट जो है गर्मियों में जो है फ्लावरिंग करने वाला बहुत अच्छा प्लांट होता है और ये सर्दियों के टाइम में एक तरह से हमारे डोरमेंसी में हो जाता है। ये मार्च से लेकर उधर अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग अक्टूबर तक करता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से जो है हम अपने अलमंडा के प्लांट को फरवरी और मार्च के मंथ में तैयार करें कि हमारा जो है अलमंडा का प्लांट पूरे साल भर बहुत अच्छा फ्लावर दे। तो दोस्तों, मैं अपने अलमंडा में मेरे दो अलमंडा का प्लांट हैं जो मेरे लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मेरे अलमंडा के प्लांट में कितनी अच्छी, ये मेरा एक अलमंडा का प्लांट है जिसकी मैंने रूट फिलिंग वगैरह कर दी थी और इसमें अब बड्स जो हैं तैयार हो गई हैं खिलने के लिए। तो दोस्तों, दूसरे प्लांट की जो है मैं पूरी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने कहा सोचा आप सभी के साथ इसका वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों चलिए, कैसे किस प्रकार के जो है मैं अपने अलमंडा के प्लांट को इस समय प्रिपेयर करती हूं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें अपने अलमंडा के प्लांट के जो बेसिक जानकारी है वो हमें होना चाहिए। किसी भी प्लांट को जो है हम अपने अगर किचन गार्डन में या अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी उसके नेचर के बारे में हम सभी को होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है ये अलमंडा का प्लांट है उसको जो है वो ऐसे मतलब जगह उगता है जहाँ की इसे धूप खूब मिले। ये जो है बहुत सन लविंग प्लांट है, इसको जहाँ जब अच्छी धूप और अच्छी पानी मिलता है तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, सर्दियों के समय में हमारे अलमंडा के प्लांट जो है वो जो है डोरमेंसी में चला जाता है कि सर्दियों के समय इसको सर्दियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद होती है। तो दोस्तों, इस समय जब हमारा जो है बसंत के महीने में फरवरी और मार्च के महीने में स्पेशली मार्च के महीने में ही इसमें ऐसा वर्क कर देना चाहिए जैसे साल भर हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग दे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने किया है आप देख सकते हैं ये मेरे बड़े से पॉट में जो है लगा हुआ है अलमंडा का प्लांट है। ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसमें मैंने इसकी कटिंग कर दी थी इसलिए जो है ये प्लांट अभी बहुत छोटा है। ये झाड़ीनुमा और वैन दोनों रूप में जो है में पाया जाता है अलमंडा का। तो दोस्तों, मैंने अभी दो तीन दिन हुआ इसके ऊपर की सॉइल बिल्कुल निकाल दी है और एक तरह से सोलराइजेशन की प्रक्रिया जो है मैंने अपने प्लांट में की है। ये एकदम मिट्टी सरफेस सूख गई है। अब इसके बाद मैं अपने अलमंडा के प्लांट में क्या क्या जो है करूँगी वो मैं आप सभी को बताती। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारे जो अलमंडा का फ्लावर है उसके जो है प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ धूप इसको पूरे दिन की बहुत अच्छी मिले। इसके बाद दोस्तों, इस समय क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम अपने जो है एक छोटे से पॉट में हमारा जो है प्लांट होता है तो उसको जो है समय समय पे हमें फर्टिलाइज करते रहना चाहिए क्योंकि एक पॉट में का ही एरिया उसके पोषण का होता है। तो अगर पोषण अच्छे से नहीं पौधे को मिलेगा तो हमारे पौधे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जो है फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसमें इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है ये है अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद जो कि 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए और इसे बहुत अच्छी तरीके से सुखा के जो है तैयार होना चाहिए। अलमंडा का पौधा ऐसी मिट्टी में हमें जो है लगाना चाहिए जिसकी जो है मिट्टी बहुत ही एकदम से वेल ड्रेन हो, नमी भी होल्ड करे लेकिन जो है शॉगी प्लांट में पानी बिल्कुल रुके ना। तो दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि मेरा कंटेनर बहुत बड़ा है इसलिए
मैं इसमें जो है लूँगी गोबर की खाद, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मैंने ली है। अपने ये प्लांट में चारों तरफ से मैंने जो है इसको फैला दिया है, और ये लगभग जो है मेरी जो है लगभग जो है इतनी ढेर सारी जो है मैंने अपनी खाद ली है, क्योंकि मेरा कंटेनर बड़ा हुआ है। इसके बाद जो है हम लेंगे ये बोन मील। बोन मील हमारे जो है क्या कहते हैं पौधे के लिए जो है बहुत अच्छा वर्क करती है, जो है फास्फोरस का रिसोर्स है। इसके साथ ही ये कैल्शियम और जो है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिलते हैं। और जो है जो हमने अच्छी तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद ली है वो हमारे पौधे को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में देता है, ताकि हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करे। और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए साल में एक से दो बार हमें अपने कंटेनर में जो है अच्छी तरह से इसी तरह मिट्टी निकाल के अपने पौधों की रूट फिलिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो। जैसे इस समय हम फरवरी में किए, उधर बारिश के बाद बहुत अच्छी तरीके से जब अगर हम अपने पौधों में रूट फिलिंग कर देंगे तो हमारा पौधा साल भर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा और फ्लावरिंग कर। इसके साथ ही साथ मैं ये दोस्तों मैंने ये पोटास ली है। दोस्तों जो हमारा जो अलमंडा कोई भी फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है, इसमें मैं लगभग एक बड़े चम्मच के लगभग जो है मैंने पोटास की ली है, क्योंकि फ्लावरिंग वाले प्लांट में हम पोटास देते हैं। तो इस समय ये इसका फ्लावरिंग का समय है, तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैंने ये लिया है जो है दोस्तों सीवीड, जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही होता है। किसी भी पौधे की होल ग्रोथ के लिए सीवीड 15-15 दिन में जो है कम से कम, ये बड़ा कंटेनर है तो एक छोटी चम्मच के बराबर मैं जो है इसमें अप्लाई करती हूँ, ताकि हमारा पौधे की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हो। दोस्तों जो अलमंडा का प्लांट है वो जो है एक एस्टिक नेचर वाला प्लांट होता, तो इसके लिए दोस्तों मैंने इसमें मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं इसमें बाद में डाल दूंगी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती बहुत ही ज़रूरी होती है, वो आप पीकले में चाय की पत्तियों का यूज की हुई खाद आप अगर एक छोटा टीस्पून, जैसे बड़ा कंटेनर है तो इसमें 2 से 3 टीस्पून जो है हम डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर है तो इसमें 3 टीस्पून मैं यूज करती हूँ, तो वो डालती हूँ। तो दोस्तों एस्टिक सॉइल पसंद है और हम उसको एस्टिक नेचर वाली चीज़ें देते रहेंगे तो हमारा जो है प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं। इसके बाद जो है दोस्तों एक चीज़ का और ख्याल रखना है, क्योंकि हम जैसा कि मैंने बताया कि इसे ऐसे एरिया जगह रखनी है जहाँ दिन भर की इसको धूप मिलती रहे, तो हमारे जो है प्लांट को जो है पानी की ज़रूरत डेली पड़ेगी। गर्मियों में इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें वाटरिंग करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो है सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद मैं ये इसके ऊपर ये वही यूज्ड की हुई जो हमारी जो है क्या कहते हैं मिट्टी है उसी से कवर कर दूंगी, ताकि हमारा जो है प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। तो दोस्तों एक चीज़ ये है, हमें अपने एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जो है अपने अलमंडा के पौधों को वीक में एक बार जो है इन पौधों की जो है गुड़ाई बहुत अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए, ताकि हमारा पौधा जो है जो हमारे पौधों में है कि रूट्स में वहाँ जो है एयर सर्कुलेशन बना रहे। और दोस्तों इसमें जो है बहुत लाइट हल्का करके बहुत पतला करके मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी मैं 15 दिन में एक बार अप्लाई करूँगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैं अपने फ्लावरिंग वाले पौधे में जैसे अलबंडा में है गुड़हल में है ये बहुत पतला करके मैं देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट देता है और मेरे पौधों में बहुत फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों क्योंकि जो पोटास है अभी तो मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र वाली पोटास यूज कर ली है, लेकिन इन पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं हमेशा जो हमारे घर में मुफ्त का एक फर्टिलाइज़र मिलता है बनाना पील फर्टिलाइज़र, यानी केले के जो छिलके होते हैं यूज केला हम कर देते हैं छिलके को फेंक देते हैं, तो उसी छिलकों का फर्टिलाइज़र मैं बना के अपने पौधों में जो है वीकली जैसे आपके एस्टिक नेचर वाला हमारा गुड़हल हो गया, अलमंडा हो गया, गुलाब हो गया, इन सभी पौधों में मैं अप्लाई करती हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है और मेरे पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी गर्मी भी फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ें छोटी छोटी, और हाँ एक बात और है आती है कि इनमें जो है पेस्ट अटैक कैसा होता है, किन चीज़ों का अटैक होता है। वैसे तो इन पौधों में जो है बहुत अधिक किसी चीज़ का अटैक नहीं होता है, लेकिन थोड़ा से एफिड्स और ये मिलीबग का अटैक हमारे पौधों में होता रहता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से अपने पौधों के जो है मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि अगर शुरुआत में ही अगर हमें प्रॉब्लम आए तो हम उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें और हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना रहे। तो दोस्तों
आपको मेरे वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।